बहुत प्यारा रूम है जुनेद ये तो। तुम्हारे रूम से भी ज्यादा। हाँ, काफी दिल से सेट किया था, मीना ने जो आना था यहाँ। वैसे काफी ऐसा ऐसे लग रहा है, पहले अच्छा लगा करता था। अंदर भाई तो हर वक्त मेरा मजाक बनाते थे कि जुनेद वो तो मीना के पास होगा। मीना भी बार बार गुस्सा करती थी कि क्यों आ जाते हो। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों को लेके बैठ गया। हाँ तुम्हारा फोन आ रहा है शायद, सुन लो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुसैन आरा, कैसी हो? कहाँ कॉल किया तुम? फोन ही नहीं उठा रही, नाराज हो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मसरूफ थी। तुम बताओ खैरियत, क्यों कॉल की? मैं बहुत परेशान हूँ हुसैन आरा, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। आज आज तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुश्किल है मेरा इस तरह निकल के मिलना तुमसे। प्लीज यार 10 मिनट के लिए मना मत करना। चलो ठीक है, ओके मिलते हैं। ओके हाफिज। तो एंजॉय, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बाय। मीना कहाँ है? नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? जी थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे, मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। उम्मीद करती हूँ कि जुनेद से मिलने गई होगी, मियाँ बीवी में आपस में बात हो जाए तो अच्छा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बहुत फिक्र रहने लगी है मीना की। मुझे जुनेद से यह उम्मीद नहीं थी कि वो पलट कर खबर ही नहीं लेगा। मैंने भी सोच लिया है, जब तक जुनेद मियाँ इसको लेने नहीं आएंगे ना, हम भी मीना को वापस नहीं भेजेंगे। हमारी बच्ची को बेवारसी नहीं है, ठीक है पैसे वाले हैं वो लोग, लेकिन हम भी इज्जतदार लोग हैं। अच्छा आज फारिस साहब ने अजीब सी बात कही, जिसकी मुझे तो कतई उम्मीद नहीं थी उनसे। बदतमीजी की क्या फिर से? अरे नहीं भाई, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ आकर रहें। फिर आपने क्या जवाब दिया, क्या सोचा? फिलहाल तो मैंने टाल दिया है, लेकिन वो बहुत इसरार कर रहे थे। वैसे बुरा भी नहीं है वहां जाना। पहले मीना अपने घर चली जाए, मैं उसे लेकर वहां नहीं जाना चाहता, अच्छा नहीं लगता। चाय पियेंगे पनम? चाय भी पिलाओ और पहले मुझे पानी पिलाओ। लेकर आते हैं।